अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे पास में टाटा 1109 BS3 गाड़ी आई है। इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी झटका मार रही है और गाड़ी बंद हो जा रही है और सही से गाड़ी ताकत भी नहीं कर रही है। तो और इसका कस्टमर का कहना है कि इसका पंप का भी काम हो चुका है, ठीक है, और देखेंगे पंप का भी काम हो चुका है, सब कुछ जिसने इनको करना था लोग भाई लोगों ने करवाया है, मगर फिर भी गाड़ी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और देखेंगे क्या है दिक्कत। बटन चाबी से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि चाबी सिस्टम नहीं, यहाँ डायरेक्ट सिस्टम है सारा गाड़ी के अंदर। देख सकते हैं गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी का फायरिंग कुछ थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है। देख सकते हैं बीच में कैसा हल्का सा झटका आया था, तो थोड़ा सा रेस करेंगे। बाकी गाड़ी रेसेस बहुत अच्छा हो रहा है, अगर रेस होने में ठीक है, गाड़ी रेसेस होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गाड़ी में हल्का सा इंजन के ऊपर ना झटका है, तो इसका वायरिंग ना मुझे ज़्यादातर डाउट है, वायरिंग पूरी डैमेज लग रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, गाड़ी कभी कभी जो है अचानक से झटके लेते हैं, तो इसको एक बार और बंद करके वापस एक बार और स्टार्ट करेंगे। देख सकते स्टार्ट हुआ और ऐसा फुल रेस हो गया, अभी देख सकते रेसी इंजन, देख सकते कितना रेस है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, इसका वायरिंग का मुझे डाउट लग रहा है पूरा। अभी देखिए धीरे 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 कम हो गया, धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसका वायरिंग भी जो है डैमेज ही लग रहा है मुझे जहाँ तक अंदाज है। और देख सकते यहाँ पर हिलाया तो गाड़ी जो है तो पोजिशन चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से भी जो है लूज कांटेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूँगा, और हमारे काम को आप देख ही लीजिए कैसा क्या है। तो ठीक है, बने रहे एंड तक। तो इसका पूरा वायरिंग खोलेंगे और फिर देखेंगे, आपको बताएंगे वायरिंग डैमेज है या नहीं है, ठीक है। तो चलते फटाफट वायरिंग खोल के लेते हैं। तो देख सकते सब इसको पहले इंजन का पूरा वायरिंग पंप का निकाल के लेते हैं, ठीक है, और कपलर खोल लेते हैं पहले, 7 वायर वाला कपलर। और ये तो सही दिख रहा है, इसमें से कुछ है नहीं, पर मुझे ज़्यादातर डाउट है इसके अंदर डैमेज का ही प्रॉब्लम है। वायरिंग डैमेज हो जाएगा तो गाड़ी में ज़्यादा पिकअप का ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहता है। इधर का टेम्परेचर का लाइन निकल गया यहाँ से पूरा, टेम्परेचर और बूस्ट प्रेशर सेंसर दोनों खोल लिया। और ये अपना इसको देख सकते हैं कैसा किसी ने ज्वाइन किया डायरेक्ट, इसको यहाँ से डायरेक्ट कटिंग करके लेते हैं, बाद में इसको देख लेंगे क्या है इसका। यह देख सकते हैं ये अपना पीछे भी लाइन गया हुआ है, अपना किलोमीटर सेंसर वो भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो है ट्रैवल सेंसर जो है इसको भी निकाल के लेते हैं, क्योंकि सही से बैठा हुआ तो है ही है, इसका लॉक सब निकाला हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं पीछे का जो किलोमीटर सेंसर का लाइन है, देख सकते हैं ये सारे कटे हुए हैं, और इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या वोल्टेज आएगा नहीं आएगा। इसमें 12 वोल्टेज आएगा बैटरी का, और इसमें आपका ग्राउंड आएगा, ठीक है, और ये आपका बीच में लगेगा जो आपका किलोमीटर बताता है कि मीटर में जो कांटा उठता है उसका ये वायर है, वाइट कलर पे लाल धारी है, और ये ग्राउंड जो अर्थिंग इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये मेन लाइन, तीन लाइन रहता है। फिर भी मैं इसको आपको जब इसका वायरिंग जब मैं करूँगा तो इसका वोल्टेज के बारे में पूरा चेक करके डिटेल में, और सबसे पहले इसको भी निकाल लेते हैं। और वायरिंग इसका पूरा मुझे डाउट है कि पूरा डैमेज ही रहेगा, क्योंकि वायरिंग हिलाने पर गाड़ी का कुछ चेंजेस हो रहा था। तो देख सकते
वो बाजू का कपलर निकाल लेंगे बराबर बंद कर। तो देख सकते हैं ये दोनों जो कपलर है अपना इंजन के लिए जाता है, पंप और किलोमीटर और ट्रैवल सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सब इसी दोनों कपलर में आता है, ठीक है। और इसको खोल के पूरा बाहर लेंगे और इसको ही पहले छुट्टा करके चेक करेंगे क्योंकि इसमें किसी ने W40 भी स्प्रे मारा है, देख सकते हैं। दिखाना सही से ज़रा, W40 स्प्रे भी मार के लगाया है मगर फिर भी इस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर इसका वायरिंग सबसे बड़ी बात डैमेज है तो स्प्रे कोई काम नहीं करने वाला। चलते बाहर लेके, तो देख सकते हैं इसको निकाल लिया हूँ। ज़्यादा बड़ा वायरिंग नहीं है इंजन के लिए, सीधे इंजन का वायरिंग है, देख सकते हैं, ठीक है। इधर दिखाना जरा, देख सकते हैं कैसे वायरिंग जो है, सही से जूम कर थोड़ा, देख सकते हैं कैसे जल के छिला हुआ पूरा चिपक रहा है, सही से दिखाना नहीं दिख रहा है। हाँ ये देख सकते हैं पूरा तांबा निकल के दिख रहा है, तो इसको पहले ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं सब पूरा छुट्टा कर लिया हूँ और ये देखते ये मुझे ज़्यादातर डाउट है पंप के कपलर में ही लाइन गया हुआ है, ये वायर देख सकते हैं। इधर दिखाना जरा, तो देख सकते हैं ये लाइन जो है पंप का कपलर का है, ठीक है। और ये जो वायर है देख सकते हैं यहाँ पे आपस में, एक वायर तो इसका टूट भी गया है और प्लस जो है ये वायर जो है दोनों आपस में दोनों का मिलन हो रहा था, ठीक है। तो इसके कारण जो है गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही थी ज़्यादा, तो इसको पूरा डिटेल में पूरा खोल के और अच्छे से एकदम कंपनी की जैसा फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं वायरिंग तो पूरा छुट्टा कर दिया हूँ और इसका एक कपलर है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे भी एक वायर जल चुका है, ये देख सकते हैं ये वायर कहाँ गया हुआ है, देख लेते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं जो पंप के कपलर में वायर जाता है ये पतला वाला, यहाँ भी देख सकते हैं अर्थिंग का जो वायर है ब्लू कलर का, ये देख सकते हैं कैसा घिसा हुआ है। और एक ये मेन में भी हल्का हल्का टच होता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे दो तीन वायर जो है ऐसा आपस में चिपक रहा है ऐसा है, ये भी देख सकते हैं पतला वाला जी, काफ़ी वायर यहाँ पे घिसा हुआ है, दो की टच होता है तो इससे प्रॉब्लम होता है, गाड़ी रेज होता है ओवर। और यहाँ भी देख सकते हैं पंप का वायर जो है ये पंप में ही जाएगा, ये देख सकते हैं ये भी यहाँ से जल गया है, इसको भी सही से लगाएंगे। पहले इसको इस लाइन को क्लियर करके लेते हैं। और ये जो पतला वायर था ब्लू कलर का, ये वायर यहाँ पे आया हुआ है, तो ये वायर जो है इसमें आएगा अपना जो पंप के नोजल के एक नंबर पे लगता है जा करके, ये वायर है, तो ये भी शॉर्ट है वायरिंग, इसको भी क्लियर करेंगे फिर उसके बाद आपको बताएंगे स्टेप से। पहले इसको कटिंग करके सब चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं इसको पूरा वायर चेंज करके ले लिया हूँ, अभी इसको यहाँ पे कुछ डालेंगे ताकि यहाँ पे कुछ टच ना हो, ठीक है। ये पूरा चेंज कर दिया हूँ, हैवी वायर डाला इसके अंदर, ये कंपनी का वायर डाला हूँ 1 mm। तो देख सकते ये टाइमर का वायर है, ये ब्लू वाले में ACM से अर्थिंग आता है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट मेन लाइन आएगा फ्यूज के जरिए, और ये जो ब्लू कलर का वायर है इसमें ACM से ही अर्थिंग आता है, बाहर से अगर अर्थिंग देंगे तो टाइमर नहीं चलेगा आपका, ACM से ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कट के आपस में चिपक रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते ये कटा हुआ है, देख सकते हैं घस घस के आपस में मिल रहा था पूरा, ऑयल भी लगा हुआ है इसके अंदर, एक ऐसा डैमेज है थोड़ा सा, इसको भी फर्स्ट क्लास कटिंग करके ज्वाइन करके लेते हैं डायरेक्ट। और ये तो अपना पंप का लाइन क्लियर हो गया, तो देख सकते हैं अपना वायरिंग करके हो गया है पूरा, टेपिंग वोपिंग करके फर्स्ट क्लास। और तो देख सकते हैं अपना रेडी करके हो गया है पूरा, और ये पूरा टेपिंग हो चुका है। ये पंप का मेन कपलर वायर है, 7 वायर 1 से लेके 7 तक, इसमें क्या यहाँ पे वायरिंग डैमेज था काफ़ी, इसको फर्स्ट क्लास पैक कर दिया हूँ। और ये अपना टाइमर का वायर जो इसमें 2 वायर आता है, ठीक है। ये अपना नोजल 1 नंबर का वायर है,
और ये अपना बूस्ट प्रेशर सेंसर का कपलर 4 वायर का है, और ये अपना टेम्परेचर स्विच का ये लाइन पहले से किसी ने बंद रखा था, इसको अपने को चालू करना पड़ेगा। और एक टेम्परेचर टी, जो एक नंबर टेम्परेचर टी लगता है ना पित्तल का नट 19 नंबर वाला, उस पर ये लगेगा, ठीक है। तो ये लाइन चालू रहना बहुत ज़रूरी है, अगर चालू नहीं रहेगा टेम्परेचर स्विच जो सॉकेट वाला आता है, अगर ये नहीं चालू रहेगा तो गाड़ी में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, पिकअप में प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा। और अपना ये पंप का सोलेनोइड स्विच का वायर है ब्लैक कलर का, जो कि ये छोटा था और कट गया था, ख़राब हो गया था, जिसको मैंने ब्लैक वायर एक अलग से डाल दिया है। और एक अपना इसमें आयल पंप का वायर है, ये वाला देख सकते हो, जो आयल स्विच बताता है अपना डिस्प्ले में आयल बत्ती, ठीक है। और ये अपना फ्लाइबल सेंसर का कपलर है, 3 वायर का, 3 वायर का कपलर है फ्लाइबल सेंसर। और ये वाला वायरिंग जो है ग्राउंड में जाएगा 3 नंबर, ये 2 नंबर बीच में जाएगा जो अपना किलोमीटर बताता है मीटर के अंदर। और ये अपना मेन लाइन 12 वोल्टेज, जितना बैटरी के अंदर वोल्टेज आता है उतने ही वोल्टेज इसके अंदर भी आएगा, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा बाद में फिर से। तो वायरिंग फिटिंग करके लेते, अपना रेडी हो चुका है पूरा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा ही डीजल उजल आ गया था, उसको मैंने अच्छे से डीजल से धो करके अच्छे से और पानी नहीं मार के एकदम ले लिया हूँ, अभी थोड़ा सा साफ हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसमें फटाक से ये वायरिंग डालेंगे, देख सकते हैं लटका के रखा हूँ मैं, क्योंकि गंदगी में कोई भी चीज़ फिटिंग करने में अच्छा नहीं लगता है, और अच्छे से फिटिंग होना चाहिए ताकि कोई कस्टमर को भी लगना चाहिए हाँ काम बढ़िया से हुआ है, ठीक है। कभी भी सफाई से करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ब्रैकेट में क्लिप मार के फिटिंग करेंगे, चलिए करते हैं फिटिंग। तो देख सकते हैं अपना वायरिंग तो फिटिंग करके हो चुका है, अब अपने को देखना क्या है कि यहाँ का जो वायरिंग है कुछ डैमेज है, और उस तरफ भी देख सकते हैं फ्यूज बॉक्स पूरा डैमेज है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरा फ्यूज बॉक्स जो है पूरा एकदम ख़राब है, तो इसको भी खोल के लेंगे और अच्छे से फिटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा रहना नहीं चाहिए, ठीक है। देख सकते ये सब जैसे तैसे टेपिंग है, तो इसको एकदम परफेक्ट करें ताकि कोई भी मिस्त्री हाथ लगाए तो उसको काम करने में समझ में आए, ठीक है। इसको भी फ्यूज बॉक्स को खोल के लेते फटाफट। तो देख सकते हैं ये अपना फ्यूज बॉक्स खोल के हो गया है, पर इसमें क्या है कि जो पंप टाइमर जो चलता है, पंप में जो करंट जाता है, जो ACM को लाइन देगा, जो जब जाके पंप का सारा सिस्टम ऑन होता है, उसका ये रिले, अब ये रिले जो है किसी ने निकाल दिया है और डायरेक्ट उसकी जगह पर ये कटआउट फिटिंग कर दिया है, ठीक है। और फिटिंग तो किया है, पर देख सकते हैं जैसे तैसे कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सफाई से होना चाहिए ताकि कोई भी मिस्त्री हाथ लगाए तो उसको अच्छे तरीके से करने में समझ में आना भी चाहिए और करने में भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अपन निकालेंगे, और ये हेडलाइट का भी वायरिंग देख सकते हैं जैसे तैसे काम किया हुआ, तो ऐसे मत किया करो भाई मेहरबानी करके। और ये जो सॉकेट है ये अपना हॉर्न के लिए, ये भी किसी ने डायरेक्ट कर दिया है, रिले सिस्टम पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से कर दिया मेन लाइन, ताकि अपना डायरेक्ट हॉर्न में मेन लाइन जाएगा, और वहाँ से किसी ने बटन से अर्थिंग दे दिया है, ऐसा है। तो चलेगा, इसको फटाफट क्लियर करके लेते हैं और ये सब भी अच्छे से फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं अपना पंप का तो लाइन का मैंने वायरिंग कर दिया, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है दिखने में। और ये देख सकते हैं हेडलाइट का लाइन है, इसको देखेंगे क्या पोजीशन है इसका। ये एक डिम का हो गया, 2 वायर एक साथ, और 2 वायर इधर रहेगा ये वाला, ठीक है, ये फुल में रहेगा, फुल वाला लाइन देख सकते हैं, वाला किधर गया, 2 वायर का ही रहेगा वो भी, क्योंकि इतना मतलब इसके अंदर मिक्सिंग किया हुआ है ना कि कुछ वायर दिख नहीं रहा, जिसको पूरा खोलते हैं पहले, ठीक है। तो ऐसे कचरे के माफिक वायरिंग रहता है तो क्या आदमी करने में ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वायर देखे, कहां से लाइन देखे। तो ये प्रॉब्लम के कारण जो है काफ़ी मिस्त्री जो है परेशान हो जाता है,
ठीक है, स्टेप से तो करते ही नहीं कुछ भी, जैसे तैसे जहाँ से मन किया वहाँ काट दिया, ज्वाइन मार दिया, वो चीज़ गलत है। सिस्टम पे काम करो, कभी भी सुनते ही नहीं मगर फिर भी। तो देख सकते हैं अभी फिटिंग करके मेरा यहाँ का एकदम फाइनल हो गया, ऐसा फ्यूज बॉक्स सब अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। और कैसा कोई भी काम करेगा तो उसको समझ में भी आएगा। ये हेडलाइट के लिए कटआउट लगा हुआ है, और ये अपना जो पंप को जो लाइन जाएगा, जो टाइमर चलता है उसके लिए रिले, उसका फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा किसी ने पहले से कटआउट लगा दिया था, तो उसका सॉकेट भी जो था ना ख़राब हो गया था, तो मैंने बोला चलो इसको अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ का भी फाइनल हो गया, अभी उस तरफ का देख सकते हैं, उस तरफ का भी करना है। इधर तो फर्स्ट क्लास हो गया टेपिंग वेपिंग करके, इतना कचरा देख सकते हैं यहाँ पर निकला भी है। तो चलते हैं वो बाजू, अब वो बाजू का देखते और उसका देख लेंगे इधर क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इधर भी पूरा एकदम कचरे की तरह दिख रहा है, और काफ़ी सारा बटन लगा हुआ है, वाइफर के लिए अलग बटन, स्टार्टिंग के लिए अलग बटन, ये सब बटन कर करके जो है ना ड्राइवर को भी चलाने में प्रॉब्लम होता है, और गाड़ी मालिक को क्या है, उनको सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब है, सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सादा सिस्टम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं चाबी स्विच देखेंगे, नहीं होगा तो कस्टमर को बोलेंगे डालो, नहीं तो फिर अगले को वही आदत रहेगा भाई उसी में चलना, तो उसी को लास्ट में करना पड़ेगा, क्या करेंगे। पर ऐसा नहीं चलाना चाहिए, सिस्टम पे रखना चाहिए। तो इधर का पूरा जो भी वायरिंग में कचरा पट्टी दिख रहा सब फाइनल करेंगे एकदम, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखना है मुझे, चाबी ऑन करेंगे, चाबी ऑन कर दिया देख सकते हैं, और सारा लाइट अभी फर्स्ट क्लास आने लगा, ठीक है। पहले इसमें लाइट नहीं आता था, ये किलोमीटर का जो मीटर है ना इसके अंदर लाइट नहीं आता था, रीडिंग मीटर। अभी ये रीडिंग मीटर दिखाना चाहिए, जब रीडिंग मीटर ये दिखाएगा जब भी आपका किलोमीटर का लाइन जो है चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। कभी भी ध्यान दे, ये रीडिंग दिखाना चाहिए, नहीं दिखाया तो समझिए फिर आपका मीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर इधर का लाइन क्लियर करेंगे। तो देख सकते हैं अपना मेरा उधर का डैशबोर्ड का तो पूरा फुल वायरिंग हो गया फ्यूज बॉक्स का, और अपना यहाँ का भी सब फर्स्ट क्लास वायरिंग हो चुका है, टाइमर भी फर्स्ट क्लास चल रहा है, सिर्फ मैंने नोजल का वायर अभी नहीं लगाया, उसको भी चेक करेंगे क्या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि पहले गाड़ी स्टार्ट होके बंद होता था, ठीक है। तो अब इसमें गाड़ी का इंजन भी ओवर रेस होता था, अभी देखते हैं स्टार्ट करके, ये बटन से स्टार्ट होगा। तो गाड़ी तो अभी स्टार्ट हुई, और फायरिंग भी अच्छा है इसका, जैसा रहना चाहिए फायरिंग, ठीक है। पहले क्या था कि मतलब गाड़ी ओवर रेस भी होती थी, और गाड़ी बंद होने जैसे झटका लेती थी, अभी गाड़ी रेस करके देखते हैं। नॉर्मल दिखा रहा है एकदम इंजन, ठीक है। इसमें भी टेम्परेचर स्विच कैंसिल किया हुआ था इसका, और किलोमीटर सेंसर भी कैंसिल था, तो वो सब भी मुझे भी चालू करना है। एक बार और स्टार्ट करके देखेंगे, फायरिंग सही है, फिर भी इसके अंदर मुझे पंप का जो स्विच है कैंसिल किया हुआ है, ये वाला इसको नया डालना है, डायरेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। तो पंप का स्विच मैं कस्टमर से मंगा लिया हूँ, ये स्विच नया डाल के लेंगे, और किलोमीटर सेंसर भी दिखा देता हूँ आपको। इधर किलोमीटर सेंसर लगेगा देख सकते हैं, ये पूरा कैसा जंग पकड़ा है, एकदम मट्टी बिट्टी बैठ गया है देख सकते हैं। और ये तो मैंने लाइन निकाला ही था किलोमीटर का, पहले से था पर सब टूटा फूटा था। तो इसके लाइन के भी बारे में बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले पंप का सोलर नाइट स्विच फिट करके लेते हैं, ये स्विच खोलना है मुझे, 24 नंबर का पाना लगेगा, ठीक है। तो इसको खोल के लेते हैं, और इसमें नया स्विच अपन डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पिस्टन आता है ना, वो पिस्टन निकाला हुआ है किसी ने, डायरेक्ट कर दिया है। अभी अपने को पिस्टन इसलिए डालना है कि क्या होता है, पिस्टन निकालने से गाड़ी तो चलती है, पर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ना हल्का सा 15 सेकंड के लिए इंजन रेस होता है,
तो गाड़ी का रेस नहीं होना चाहिए, और कोई कोई गाड़ी में जो है चल जाता है और कोई कोई गाड़ी में नहीं चल पाता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो इसके लिए देखते हैं खोल के पिस्टन स्प्रिंग है या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे फ्यूज उड़ गया या लाइन शॉर्ट हो गया तो चल जाता है। डायरेक्ट करेंगे तो कभी भी अगर पिस्टन स्प्रिंग निकालते हैं इसका, तो इसमें कभी भी वायर जो है रहता है यहाँ का, ये ना लगाएं, ठीक है, वायर निकाल के साइड में डाल दें। और देख सकते हैं मैंने ये बॉस का कस्टमर से मंगवाया है, ठीक है, इसको डाल के लेंगे, देख सकते हैं ये 12 वोल्ट में ब्लैक कलर आएगा और 24 वोल्ट में वाइट कलर आता है, ठीक है, प्लास्टिक की जो गुंडी रहती है ऊपर की, चलेगा, इसको फिटिंग करके लेते हैं। तो देख सकते हैं अपना ये नया है पेटी पैक, इसको फिट करके लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा पम्प मार लेंगे, अगर कचरा बिचरा रहेगा तो क्या निकल जाता है, कभी भी अगर खोल के स्विच डालना रहा तो थोड़ा हल्का सा पम्प मार लें तो क्या जो भी कचरा बिचरा मट्टी उट्टी रहता है वो निकल जाता है और आसानी से लग भी जाता है। थोड़ा सा कोई कोई गाड़ी में बहुत अड़चन होता है फिटिंग करने में, क्योंकि इसमें ऊपर का जो पट्टी आता प्लेट आता बंदे ने लगाया नहीं है पंप वाले ने, इसके लिए आसानी से खुल गया, नहीं तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत होती है। टाइट हो गया, अब इसको कनेक्शन मार के लेंगे, कनेक्शन के बारे में बताएंगे। इसमें थोड़ा सा हल्का सा करंट आके कट हो जाएगा फटक से, तो मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको क्लिप मार के लेता हूँ, फिर इसका देखते हैं चाबी ऑन करके इस पर लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर लाइन आके और तुरंत चले जाएगा। बंद करो चाबी, बंद करो ना, हाँ वापस ऑन करो, देखो आके हल्का सा चले गया, वापस बंद करके चालू करो, हाँ बंद करो चाबी, वापस ऑन करो, देखो करंट बराबर आके जा रहा है। अभी जरा स्टार्ट मारो गाड़ी, हाँ 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 न्यूट्रल है, तो देख सकते बस रुक जाओ, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि स्विच अपना बराबर काम कर रहा है। बंद कर दो चाबी, अभी ये स्विच का वायर लगा दिया हूँ और अभी देखते स्टार्ट करके, हाँ मारो सेल, अभी हाँ मारो, क्लास गाड़ी स्टार्ट हो गई, और जैसे इसका वायर निकालूंगा गाड़ी बंद हो गया, तो ये लाइन अपना क्लियर है, ठीक है, बंद कर दो चाबी। तो इसको फिटिंग करके लेते हैं, ये 8 नंबर का नट लगेगा इसमें, तो देख सकते अपना फिटिंग करके तो हो चुका है, फर्स्ट क्लास टाइट हो गया है। और अपने को अभी यहाँ का ये लाइन चेक करना क्या है, ये लाइन तो चेक ही कर लेंगे, पर टेम्परेचर स्विच जो टूटा हुआ है और इसका लाइन भी बंद किया लगा, तो इसको टेम्परेचर स्विच मैंने मंगाया कस्टमर से, तो ये स्विच बॉस का इसमें लगेगा ओरिजिनल, ये डाल के लेते हैं फटाफट और इसके लाइन के बारे में भी देखेंगे क्या लाइन आ रहा है इसका, फिर उसके बाद किलोमीटर सेंसर के ऊपर जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट फिटिंग करके लेते हैं। तो देख सकते हैं टेम्परेचर स्विच का भी मुझे फिटिंग करना है इसका, VS3 1109, ठीक है। तो इसका सबसे पहली बात तो टूट गया है, तो इसको अपने को नया डालना है, और इसको पहले खोल के लेते हैं और फिर दिखाएंगे आपको कौन सा इसमें टेम्परेचर स्विच डालना है, ठीक है। ये चालू रहना ही चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए, अगर ये बंद रहेगा तो गाड़ी को चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सिस्टम जिसने कंपनी ने दिया है अच्छा दिया है, और इसको आप सोचेंगे कैंसिल कर दे अपनी मर्जी से, चलने दो तो नहीं चलता है, ठीक है। इसके लिए पूरा सिस्टम में इसका चालू कर रहा हूँ, क्योंकि सब कैंसिल किया हुआ था इसका, सारा चीज़ लगा के ले रहे इसके अंदर, थोड़ा पानी आएगा इसका। तो ये सेंसर मैंने मंगवाया है, टेम्परेचर सेंसर ओरिजिनल है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसका कुछ रेट भी होएगा, देख सकते रेट, आप देख सकते क्या रेट है इसका, ठीक है, और ये ओरिजिनल सेंसर है। तो
अपने को ये लगाना है इसके अंदर, और इसके साथ में सॉकेट भी मैंने मंगवा लिया है कस्टमर से, इसको भी लगा के लेंगे। तो इसको निकाल देते हैं साइड में, सेम है इसमें, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये क्या यहाँ से टूट गया है इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको लगा के ले लेते हैं। और इसका वोल्टेज क्या था वो भी बताएंगे, 5 वोल्टेज आना चाहिए और अपना ग्राउंड भी आना चाहिए। ये दोनों लाइन आ गया बराबर तो अपना लाइन क्लियर है, नहीं आया तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी तो सबसे पहले फिटिंग करके लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट देती है गाड़ी। जहाँ तक उम्मीद है गाड़ी तो अच्छा ही रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि सारा सिस्टम बंद रहेगा और रिजल्ट खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला है ना। चलो ये तो फिटिंग हो गया, मुझे ये कपलर यूज करना है। तो सबसे पहले इसके वोल्टेज पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं 20 पे इसको सेट करूँगा मल्टीमीटर को, और यहाँ बैटरी से चेक करेंगे। 12 वोल्ट बैटरी में दिखा रहा है, तो ये अपना 12 वोल्टेज का मीटर फर्स्ट क्लास मेरा काम कर रहा है। और इस पे अपने को 5 वोल्टेज आना चाहिए। ज़रा चाबी ऑन करेंगे सर, तो देख सकते हैं इससे 5 वोल्टेज 1 दिखा रहा है, ये लाइन क्लियर है। ठीक है, इस पे मुझे ग्राउंड चाहिए, तो इसको मुझे बीप वाले साउंड पे सेट कर लेना है। और जब इस पे चेक करेंगे तो बीप का साउंड बजना चाहिए, देख सकते हैं साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइन अपना क्लियर है, अभी खाली मुझे सॉकेट लगा के लेना है, ये बैटरी का अपना, और वायरिंग कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा सेंसर फिटिंग करके हो चुका है, अभी मैं फिट करने जा रहा हूँ किलोमीटर सेंसर, उसका भी लाइन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ का तो फाइनल हो गया है, चलते किलोमीटर सेंसर के बाद गियर बॉक्स के बाद। तो देख सकते हैं साफ़ करके हो गया, इसमें क्या बहुत कचरा था, मैं पहले दिखाया था ना आपको वीडियो में कि कचरा बहुत है यहाँ पे, तो इसको साफ़ करके मैंने ले लिया है। और मैंने ये टेम्परेचर स्विच मंगाया है मिंडा कंपनी का। ठीक है, इसको खोल के देख लेते कैसा क्या है, क्योंकि ये लाइन तो अपने को चालू ही चाहिए। देखते हैं, तो ये सोच रहा है अपना, इसको ही फिटिंग करना, ये खांचे में बराबर देख के लगाना है। ठीक है, देख सकते 82-17 बोलेंगे दुकानदार को, तो वो भी आपको स्विच दे देगा 11-09-PS3 82-17। ये अगर पार्ट नंबर बताएंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी दुकान पे जाएंगे तो काफ़ी कस्टमर मांगते हैं, दुकानदार मांगते हैं भाई मुझे सैंपल चाहिए, तो सैंपल मांगेंगे तो आपको ये 82-17 बोल देंगे, तो आपको 11-09 हुआ, डम्फर हुआ, ठीक है, 709-407 सब में ये लगता है। ठीक है, तो इसको पहले खांचे में देख के बराबर लगाना है, जैसा खांचा का ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बराबर ऐसे ही उसमें जाके बैठना चाहिए, जैसे यहाँ दिया कट देख सकते हैं। अब ये नहीं कि हम जैसे तैसे भी लगा दे तो क्या डैमेज हो जाता है सेंसर। इसको फिटिंग करके लेते हैं। ये फिटिंग हो गया, थोड़ा हल्का सा पाना भी मार लेते हैं, फुल टाइट हो गया। और ये मैंने इसका एक सॉकेट मंगवाया है, ये सॉकेट के बारे में खास आपको जानकारी देंगे। ठीक है, बने रहें, पहले इसको खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरा सॉकेट लगा के हो चुका है, इस पे मेन लाइन आना चाहिए ये वाले पे, ये पोजीशन अगर अपन ऐसे सेंसर लगाएंगे तो पहला नंबर पे। हाँ ठीक है, रुक जाओगे उधर ही। तो देख सकते हैं इस पे अपना मेन लाइन आने लगा, ये वाले पे बल्ब जलने लगा ना, तो ये अपना इस पे मेन आ गया। और ये बीच वाला अपना किलोमीटर में जाएगा, जो किलोमीटर में जो मीटर का कांडी चलता है, और यहाँ से अपना अर्थिंग निकलेगा, तो यहाँ लगा के देखते ग्राउंड अपना फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है। तो देख सकते अपना बल्ब जल गया, बीच में इसका किलोमीटर का मेन लाइन आएगा। ठीक है, और ऐसे ही सीधे पोजिशन पर आएगा, लॉक देख रहे, लॉक के ठीक सामने मेन, इधर बीच में वाइट वाले बार और ब्लैक चॉकलेटी जो भी आता है ये वाला, इधर हर गाड़ी में अलग अलग कलर के वायर आते, इसमें थोड़ा अलग दिया है, तो बाकी गाड़ियों में वाइट कलर पे
लाल धारी आएगा और ब्लैक कलर का वायर आएगा, इधर पूरा लाल आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अलग कलर दिया है, ठीक है। तो ये लाइन किलोमीटर का ओके होना चाहिए। तो ये अभी करंट तो सप्लाई ओके दिखा रहा, अब ये लाइन क्लियर है कि नहीं ये मुझे देखना है, क्योंकि अभी मैं सेंसर तो फिटिंग कर दिया हूँ यहाँ पे। अब इसको फिटिंग करने के बाद गाड़ी चला के देखेंगे क्या रिजल्ट दे रहा है मीटर में। अगर नहीं मीटर में रिजल्ट दिया तो फिर ये लाइन कंटिन्यू मीटर तक मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते फटाफट टेपिंग करके और इसको फिटिंग कर लेंगे। तो देख सकते मेरा फिटिंग करके हो चुका है, ठीक है, वायरिंग, और इसको फिटिंग कर लेंगे। ये भी अपना फर्स्ट क्लास बैठ चुका है लॉक के अंदर, ठीक है। अभी अपने को नोजल का वोल्टेज चेक करना, नोजल के ऊपर क्या वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से सब कुछ फाइनल हो गया, अब नोजल का वोल्टेज चेक करके उसको लगा करके फिर गाड़ी ट्रायल लेके देखेंगे क्या रिजल्ट दे रही है गाड़ी, ठीक है। तो अभी देखेंगे अपन एक नंबर का नोजल या तो टूट गया रहेगा मेरे ख्याल से, जिसको बीप वाले साउंड पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे और इस पर फिर चेक करना है अपने को क्या बता रहा है। 108-108 तक ही बताना चाहिए, उसके ऊपर भी गया तो भी प्रॉब्लम है, उससे कम आया तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला बीप चेक करेंगे, तो बीप बज रहा है, इसको लगाया तो देख सकते 108 के ही करीब में है, मतलब करीब में क्या फाइनल 108 दिखा रहा है। तो अपना इंजेक्टर भी मतलब नोजल सही है अपना, ठीक है। अब अपने को स्टार्ट करके ये वायर जब लगाएंगे तो अपना इंजन का जो साउंड है ना चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस दिखाएगा तो समझेंगे अपना वायरिंग ओके है, ठीक है। चलेगा, गाड़ी स्टार्ट करवाते पहले। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसका तो मैंने वोल्टेज बता ही दिया, अब इसका ही वोल्टेज बताएंगे। इस पर लाल वाले पे 12 वोल्टेज दिखाना चाहिए और इस पर ग्राउंड दिखाना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड बैटरी से आएगा मतलब 12 वोल्टेज, और 12 वोल्टेज इस पर भी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले चेक करते हैं लाल वाले पे, और यहाँ फोकस करना ज़रा मीटर पे, चाबी ऑन करना, बस चलेगा, हो गया चालू। इधर दिखाना मीटर पे, तो देख सकते ये लाल वाले पे 11:54 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन चेक करेंगे तो भी 11:54 ही बताएगा, ठीक है। तो ये अपना ये ग्राउंड बराबर बता रहा है, देख सकते हैं। अभी अपने को बीप का साउंड पे इसको चेक करना, बंद कर देना चाबी, बंद किया। अब देखेंगे इस पर बीप साउंड बज रहा है कि नहीं ब्लैक वाले पे, तो ब्लैक वाले पे बीप का साउंड बज रहा, तो इसका मतलब ये लाइन भी अपना ओके है। और अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट है। रिजल्ट बोले तो सबसे पहले इसको लगा के लेंगे एक, और दूसरा जब लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट ये न्यूट्रल हाँ स्टार्ट करना, तो बटन दबा के मार्शल बटन बटन साइड में ब्लैक बटन है ये वाला, वो उसे हाँ वो वाला मार। देख सकते गाड़ी तो अपनी स्टार्ट है, और इसको लगाने के बाद देखते कुछ बदलाव आता है कि नहीं। इसको लगाने पे कुछ सा फर्क दिख रहा है, ये निकाल रहा हूँ तो ये लगा रहा हूँ तो कुछ सा हल्का सा साउंड में चेंजेस दिख रहा है, ये निकाल दिया तो साउंड चेंज, वापस लगाया थोड़ा कड़क साउंड आ रहा है, और इसको निकालने के बाद साउंड हल्का सा चेंजेस है, देख सकते ये अपना वायरिंग है बराबर काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा बंद कर दे गाड़ी, इसको भी फाइनल करके लेते हैं। तो अपना वायरिंग सब फाइनल हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी सब कुछ ओके हो गया, अभी अपने को चलना है गाड़ी ट्रायल पे, ठीक है। तो केबिन नीचे गिराते फिर देखते लेके चलते और स्टार्ट करके भी दिखाते ऊपर। तो अभी अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है, अभी चलते स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे परफेक्ट क्या है।
तो चाबी ऑन करेंगे, ऑन किया देखेंगे अपना बैटरी का लाइट दिखा, बाकी का लाइट का तो बल्ब वल्ब शायद उड़ा रहेगा मेरे ख्याल से, वो मीटर खोल के देखना ही पड़ेगा। बाकी इसका टेम्परेचर भी चालू हो गया, डीजल टैंक भी चालू हो चुका है, पहले सब बंद था। स्टार्ट करेंगे और देख सकते हैं गाड़ी का फायरिंग अभी सही है, पहले तो कुछ ज़्यादा ही मतलब आवाज़ था गाड़ी के अंदर, और इसका रीडिंग मीटर भी नहीं दिखाता था जो किलोमीटर के अंदर रीडिंग दिखाना चाहिए, ये रीडिंग बंद था पहले, ये रीडिंग ये भी चालू हो गया। और अपने को भी ट्रायल लेके देखना है ड्राइवर से गाड़ी कैसी चल रही है और इसका मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा वो देखना है। तो चलते ट्रायल पे गाड़ी को लेकर के, बाकी गाड़ी रेस तो फर्स्ट क्लास हो रही है, अब ड्राइवर से ही रिजल्ट मिलेगा अपने को। तो अभी देखते हैं ट्रायल लेते हैं गाड़ी का और देखते हैं कैसा गाड़ी चल रहा है, रिजल्ट लेते हैं ड्राइवर से, पहले ट्रायल मार के देखते। और इसका किलोमीटर तो बंद था तो अभी चालू तो सब हो गया है, तो चलते ट्रायल पे। चलो लेते भी देखना वाले जरा, देख सकते हैं इसका किलोमीटर भी चालू हो चुका है, सही चल रही है। देख सकते हैं चढ़ान लग रही है और किलोमीटर 40 का स्पीड दिखा रहा है, और भी तो बेकार है कि चलाने लायक नहीं। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और फिर गैरेज पे लेते हैं। हाँ गैरेज पे ले लो गाड़ी, तो देखते भी क्या रिजल्ट है ड्राइवर का, गाड़ी तो ऐसे मेरे ख्याल से सही है, अभी इनके हिसाब से कैसा है क्या मालूम नहीं अपने को, मगर ऐसा तो सही लग रहा है। बस चलेगा देखिए बाहर ही रोको, कोई अंदर डाल के मतलब नहीं है। तो अभी देखते हैं जरा ड्राइवर से पूछते हैं क्या रिजल्ट है, गाड़ी बंद कर लो, अभी कैसा चलने में गाड़ी है, अभी चलने में सही है गाड़ी। हाँ। पहले गाड़ी झटके उठके लेती थी, सही पिकअप भी पकड़ा है, चलान वलान पे भी गाड़ी सही चल रही है, सही चल रही है गाड़ी, दब नहीं रही भी नहीं। और पहले मतलब रेस ओवर भी होती थी, रेस कम ज्यादा होती थी, झटके लगती थी, कहीं बंद हो जाती थी, अच्छा अच्छा स्टार्ट नहीं होती थी जल्दी, अभी बराबर एकदम परफेक्ट है, बराबर है। तो चलते फिर, इनका कहना है कि मतलब गाड़ी ओके हो गई है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल पे करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।